आखिर क्या है ज्ञानवापी मस्जिद का मसला? आखिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का इतिहास क्या है? क्या सच में यहाँ पे कोई शिव मंदिर था या फिर मस्जिद था? ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक बार फिर विवाद चल रहा है। पुरातत्व विभाग ने इसका सर्वे कार्य पूरा कर लिया है। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद का इतिहास क्या है, शिव मंदिर होने के दावे पर क्या कहते हैं प्राचीन ग्रंथ और शोध। इतिहासकारों का मानना है कि 1194 में मोहम्मद गौरी काशी स्थित मंदिर को लूटकर तुड़वा दिया था। फिर से जब मंदिर बना लिया गया तो 1447 में जौनपुर के सरकी सुल्तान मोहम्मद शाह द्वारा मंदिर को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई गई। हालांकि इसको लेकर मतभेद है कि जब मस्जिद नहीं बनी थी, क्योंकि कुछ का मानना है कि 1669 में औरंगजेब के आदेश से तोड़कर यहाँ पर मंदिर के आधे हिस्से पर जामा मस्जिद बनाई गई। हालांकि मस्जिद को अलग से बनवाकर मंदिर की नींव और मलबे को ही इसमें उपयोग किया गया था। मंदिर टूटने और मस्जिद बनने के 125 साल तक कोई मंदिर नहीं बना था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 से 84 के राजस्व दस्तावेजों में जमा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया है। 1809 में हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को उन्हें सौंपने की मांग की गई। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा था, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1937 में दायर एक मुकदमे पर वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानवापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है।